तो अभी मेरे एक भैया आ रखे हैं हमारे साथ, जिनके लिए हमें एक कार परचेज करनी है। और वो जो कार है उसको वो पर्सनल यूज़ में यूज़ करेंगे। और वो कौन सी कार है और हम कहाँ से लेने जाएंगे, ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा अपने इस ब्लॉग में। तो मेरी जर्नी में शुरू हो जाइए। ओके। गाइस, हम आए कार खरीदने के लिए मारुति सुजुकी शोरूम में, और हम परचेज करने वाले हैं अपनी कार और फाइनली कार की बुकिंग करा के फिर हम निकल जाएंगे यहाँ से। वीडियो में क्या बना रहा हूँ, मैं आपको पहले लुक दिखाता हूँ ट्रिपल ए मारुति के शोरूम का। आए हुए हैं ट्रिपल ए ऑटोमोबाइल्स में, जहाँ पर हम गाड़ी लेने आए हैं, और उस गाड़ी के जो पेमेंट है वो हमने कर दिया। भैया जो हैं वो हमारे गाड़ी के संचालक करता धरता, ठीक है, इनके नाम पर गाड़ी होगी। और इस गाड़ी को लेने के लिए ना हम कई दिनों से घूम रहे हैं, और ये गाड़ी ना पता नहीं कितने दिनों में बन के आएगी। बंदे बोल रहे हैं कि 1 तारीख तक हमें मिल जाएगी, यानी 1 जून को जब हम वापस इस जगह आएंगे तब हम कार को लेके अपने घर जाएंगे, ठीक है। और कार दिल्ली में घूमेगी, कार को ये ड्राइव करेंगे, आप देख सकते हो उनको। ये बहुत दूर से आए हैं, राजस्थान के 500-600 किलोमीटर दूर से, जहाँ पर रेगिस्तान होता है, जहाँ पर ऊँट चलते हैं। तो वहाँ से भैया आए हैं, वहाँ से एक ऊँट और आया है, वहाँ से एक और ऊँट आया है। और गाड़ी बहुत अच्छी वाली होगी, ठीक है भाई। पानी वानी मिल जाएगा? ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, ठीक है। तो भाई आ चुके हैं हमारे गाड़ी वाले। अरे कहना क्या चाहते हो? मारुति के शोरूम गए थे मालवीय नगर, ट्रिपल ए मारुति एरिना, जहाँ से हमने इको कार एक खरीदी है, जो गीक भैया हैं जो राजस्थान से आए हैं, उनके लिए वो कार परचेज की गई थी। फाइनली उस कार को परचेज कर लिया गया है, जिसकी पेमेंट हम सब करके आए थे, और मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था जब हमने पेमेंट वगैरह करी थी। तो फाइनली वो जो कार है वो आज यहाँ पर आ रही है घर पे। सो फाइनली वी आर वेटिंग फॉर दैट कार। फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कार का लुक कैसा है, कितनी अच्छी लग रही है कार, और न्यू कार है, किस कलर की कार हमने ली है, ये भी आपको पता लगेगा इस वीडियो में। फाइनली वो जो कार है वो आज यहाँ पर आ रही है घर पे। ये गाइस हमारी गाड़ी आ चुकी है, और इसने गली में एंट्री कर ली है। फाइनली इसी इको के लिए हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, अब ये इको हमारी गली में आकर के लग चुकी है, और ये हमारे घर के सामने पहुँच चुकी है इको। आप देख सकते हैं इसका लुक, और इस इको में अभी कई लोग बैठे हुए हैं फिलहाल, तो क्योंकि इसी गाड़ी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था। और देखिए हिप हिप, दिस इज द अमेजिंग कार।
गाड़ी की पूजा शुरू हो गई है। ये मम्मी जी गाड़ी की पूजा कर रही हैं और ये स्वास्तिक बना दिया गया है। ये ड्राइवर साहब शर्माते हुए ड्राइवर साहब कह रहे हैं कि आज ये आई है, कल मर्सिडीज आएगी। रक्षाबंधन बन चुका है, आगे मिठाइयों की बारी। अब ये गाड़ी थोड़ी देर में चलने वाली है। ये उद्घाटन शुरू हो गया गाड़ी का। ये गाड़ी पर गाइस, अब गाड़ी के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ। ये अंकल जी बैठे हुए हैं गाइस। ये गाड़ी का अंदर का लुक है, ये बाहर से सारे लोग फोटो खींच रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं। और ये एक पागल इंसान, ये हमारे राजस्थानी भैया मुस्कुराते हुए। अब ये गाड़ी का अंदर का लुक दिखाता हूँ। देखो, स्टीयरिंग पे एस लोगो बना हुआ है सुजुकी का और बाकी माता रानी की फोटो। ये यहाँ पर लाइटिंग का भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट है हमारे पास। ये गाड़ी है, इसमें से ये सब खुल जाता है। ये यहाँ पर हम ये वेंटिलेशन के लिए दे रखा है, ठीक है, हवा दे सकते हैं हम। बाकी एक सीट ये है और अभी तक पन्नी भी नहीं उतरी है गाड़ी की। और पीछे आप देख सकते हैं, पीछे कितना सारा स्पेस है, यानी कि यहाँ पर 7 लोगों की सवारी हो सकती है और हम 7 लोग बैठ सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये सारा गाड़ी का जो इंटरनल लुक है वो हो गया। बाकी देखिए, ये गियर्स दे रखे हैं, ये थोड़े सॉफ्ट हैं और अच्छे हैं। इससे अब हम पहले क्या करते हैं, शीशे को ऊपर कर देते हैं, ठीक है। शीशा ऊपर करने के बाद मैं गाड़ी से बाहर निकलूंगा और फिर मैं, इसमें ऑटोमेटिक शीशा ऊपर करने का कोई सिस्टम नहीं है। तो अब हम बाहर निकलते हैं और गाड़ी की फिर बढ़िया बनाते हैं। फाइनली ये हमारी गाड़ी का लुक है और ये सारे